Hey guys, good evening. Welcome back to the channel and I hope you guys are doing extremely great. So तुम्हारा भाई बिल्कुल चमक रहा है आज, मस्त फेस की ग्रूमिंग की है. छुट्टी थी यार एक्चुअली आज, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फेस की ग्रूमिंग करा ली जाए. और आज का एक प्लान भी है, हम लोग को शादी में जाना है शाम को. गोलू को भी हम छोड़ के आए हैं, उसको लगेगा एक घंटा पूरा का अपना सही यार. लोंडो का सही ना, 5 मिनट लगता है घर पे और फटाक से रेडी हो जाते हैं बंदा. जो लोग यार ये सोचते हैं कि इतनी गर्मी में कहाँ जाएंगे, मतलब भाग रहा तो दूर की बात है, चलना भी मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए. और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये दो बंदे जो है, इतनी गर्मी अभी से हो रखी है लेकिन बिल्कुल पसीने पसीने हो रखे हैं. और वीडियो में आप लोग को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, आगे वाला बंदा तो बिल्कुल ही जबरदस्त पसीने पसीने लग रहा है. तो इतनी गर्मी में ये लोग अपना यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं नंगे पैर. सबसे बड़ी बात भाई, नंगे पैर है यार बंदा. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू दी व्लॉग. एंड कल शाम को यार लेट हो गए थे, इतनी मस्त सनलाइट आ रही है यार बिल्कुल फेस पे. वाह, कल शाम को लेट हो गए थे यार शादी से आने में, तो उस चक्कर में फिर हम लोग जरा लेट सोए. तो आज सुबह भी जल्दी उठ गया, आपको आप लोगों को दिखाई दे रहा है. अगर मैं जल्दी लेट सोता हूँ ना मैं, तो मेरी आपको भी दिखाई दे रहा था. तो आज सुबह भी जल्दी इसलिए उठे क्योंकि मैं और बोलो जा रहे हैं उसके घर पे आज, क्योंकि वैसे तो रेगुलर के लिए कुछ दिनों के लिए जा नहीं सकते क्योंकि उसकी क्लासेस चल रही है. तो आज संडे था तो हमने सोचा कि उसके घर पर मिल के आ जाते. सो गाइज, एक छोटा सा स्टॉप फिर से ले लिया हम लोगों ने. तो अभी जो है गोलू जो है सामान लेने के लिए गई हुई है. ये बाहर गोलू खड़ी हुई है, यहाँ पे ये पूरी मार्केट लगी है जो फल फ्रूट्स वगैरह की होती है. क्योंकि वो थोड़ी प्रथा होती है ना, शायद आप लोगों में भी होती होगी भाई, कि जब ससुराल जाया करें, मतलब लड़की जाती है घर पे या हम भी वापिस आते हैं, तो कुछ फल फ्रूट वगैरह लेके जाने चाहिए. ये मम्मी बोलती है कि अच्छा होता है, पता नहीं मेरे को इसका रीज़न नहीं पता, इसके बिहार क्या रीज़न है. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen. सबसे बढ़िया बात जो हो रही है ना गोलू के घर पे जाने के बाद, गोलू बिल्कुल चमक रही है तो दोस्त तेरे मुंह पे आए. तो सबसे बढ़िया बात जो हो रही है ना, हम लोग तो जो गोलू घर पे जा रहे हैं, डोली नहीं लग रही है यार, बहुत सारे बंद पड़े हुए हैं रास्ते. तो फिर मक्खन है, सिर्फ ट्रक ही दिख रहे हैं इसे कि एमपी पे जरूर जा रहे हैं हम लोग. तो इस पे सिर्फ मक्खन गोलू का रील बनाने की कोशिश कर रही है. इसे बनेगी ही नहीं, नहीं बनेगी यार. 50 रूट लेती है जब एक रील निकालती है यार, मतलब ये औरत मेरा गला दबा रही है यहाँ पब्लिक के बीच में, देख रहे हो तुम लोग, देख और मुझे पूछ के दबा रही, कह रही कि दबा दू क्या, नहीं दबाऊ देख. मतलब मैं इसको जूस पिलाने के लिए, गन्ने का जूस है पीछे, मैं इसको जूस पिलाने के लिए मतलब रुका हुआ. देखो कितना प्यार करता हूँ मैं इससे, और ये मैं कह रही हूँ तेरा गला दबा दू. अच्छा तो गला दबाने का एक्सपीरियंस का मतलब क्या, मम्मी मम्मी आप वीडियो देख रहे हो ना मम्मी, ये देख लो आपके. ये है कि हर एक चीज एक्सपीरियंस नहीं कर सकता इंसान, जैसे गला दबाना नहीं दबा सकता जिंदगी में, किसका दबा के. आप ना है भैया, एक्सप्लेन मत करो इस चीज को, ठीक है. आप गलत बता रहे हो, गलत है ये, बहुत नहीं की जा सकती, गलत हो रहा है भाई. मैं बता रहा हूँ भाई, तुम्हारे भाई के साथ गलत हो रहा है, तुम्हारे भाई के साथ. ये चीज कौन एक्सपीरियंस करना चाहता है कि वो मतलब अपने पार्टनर का गला दबाए. मेरे ऑफिस में एक्चुअली पता है, वो दोस्त था जो हमारा, वो लीव भर रहा था किसी की, तो उसने क्या किया ना, जो मतलब सफाई वाला बंदा था हमारा एक, उनका उसकी लीव भर रहा था. तो उन्होंने उसने ना लीव भरते हुए ये नहीं लिखा कि मतलब गर्म उसकी बीवी की तबीयत खराब होने के चक्कर में, मतलब गलती से क्या लिखा गया, बीवी को मार दिया करके इसलिए उसको छुट्टी मिल रही है. मतलब वो लीव सेक्शन में चली गई है वहाँ पे, और वहाँ से वो बंदा उसको वापस लेके आया है
तो कि वहाँ पे जो लीव सेक्शन में जो मैडम बैठी हुई थी ना, उसने बोला कि क्या क्या लिखा हुआ है कि मतलब बीवी को मार दिया तुमने, उसके बाद तुम छुट्टी ले रहे हो। ओ भाई लिटरली जबरदस्त। ये आ गया है गोलू का जूस, हम नहीं पियेंगे, हमारा बिल्कुल मन नहीं था पीने का। अब बताओ तो आप खाते हुए हमें बहुत शूट करते हो ना गोलू। ये इतनी सलाद तो निपटाने वाली है, बाकी कुछ खाए ना खाए बट ये जरूर खाएगी तू, है ना। और फिर तू ये बोलेगी कि मैं मोटी लग रही हूँ, मैं छोटी लग रही हूँ। जब भी खुद खाती है तो हमेशा इसके पास आंसर्स रहते हैं कि ये ऐसा क्यों खा रही है, और जब मैं खाऊंगा तो बस इसका घूम फिर के एक ही मोटिव होता है कि मैं मोटा हो जाऊंगा। यही है ना मेरा सच्चाई बोल रहा है। वैसे ये वाला एंगल तो कितनी मस्त लाइटिंग आती है, क्योंकि उसमें पीछे सामने तो लाइट लगी हुई है, और इस वाले एंगल में तो इतनी गंदी लगती है। क्या कुछ भी सेवा कर दिए तुम्हारी तो इसलिए हम शूट करते हैं। है ना मम्मी। चले गोलू। सो गाइस गोइंग बैक टू आवर होम नाउ, शाम हो चुकी है और ऑलमोस्ट बहुत हो गया है, बहुत हो गया घर देखना, दूसरे घर की बारी है। क्या मतलब टाइम मिला नहीं क्या आपको? चलो पैर छू मम्मी के। और यार यहाँ पे मतलब गाड़ी में बैठने के बाद ना मेरे को एक बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग सी जो फीलिंग आई है ना, मतलब हद हो गया, मेरा दिल ना अंदर से रो रहा है, बिल्कुल रो रहा है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, ये मेरा जो गॉगल्स है, गोलू प्लीज मेरे को दिखा दो, ये गॉगल्स आपने भी पहले इसी वीडियो में आपने देखा होगा, ये मेरा मतलब फेवरेट से भी फेवरेट अगर गूगल्स कोई होता है ना, वो मेरा ये फेवरेट वाला गूगल है यार, और ये टूट गया है। मतलब यार मेरे को एक्चुअल में समझ नहीं आ रहा ये टूटा कैसे है यार। एक्चुअली मैं इसको फर्स्ट टाइम लेके आया था कि मैं इसको गाड़ी में जो है इसको यूज करूंगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस ब्लैक वन, तो यार मेरे को समझ ही नहीं आ रहा ये टूट क्यों गया और ये कैसे टूट गया गोलू यार। मेरा हाथ नहीं है अभी, हम जब गोलू के वहां से निकले हैं ना, यार ये एक्चुअली देख तेरे सामने मैंने इसको डैशबोर्ड में रखा था, मतलब मेरे को इतना ज्यादा गंदा फील हो रहा है ना, मतलब मेरा दिल चीख चीख के रो रहा है भाई, चीख चीख के रो रहा है, मतलब मेरे को पता नहीं समझ नहीं आ रहा यार हुआ कैसे। मैंने उठा के इसको डैशबोर्ड में रखा था और अब मैं इसको देखा तो ये जो है ना ये जो ग्लास के पास होता है ये वहां से टूट गया है। सॉरी डिस्ट्रक्शन हो रहा है क्योंकि गाड़ी भी चला रहा हूँ मैं, बिल्कुल ग्लास के पास से जो है ना ये यहाँ से टूट गया यार। दिल्ली से समालका की तरफ या पानीपत की तरफ जा रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को एक गुड न्यूज, बीच में 3 से 4 फ्लाईओवर जो है बिल्कुल रेडी कर दिया हरियाणा गवर्नमेंट ने, जो बिटवीन किसान टाइम ये जो अभी आप लोग जो फ्लाईओवर जिसपे हम लोग चल रहे हैं ये बिल्कुल ब्रांड न्यू फ्लाईओवर बना हुआ है, जो अभी तक यहाँ पे जिसका नामो निशान तक भी नहीं था कुछ महीने पहले तक, और अभी यहाँ पे बिल्कुल रेडी है, रेडी टू राइड। तो बहुत ही जबरदस्त मतलब रास्ता एक अच्छा हो गया, बहुत ही अच्छा रास्ता हो गया है, तो एंजॉय कीजिए आप लोग भी अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो बहुत ही मजा आ गया। अगर एग्जैक्टली मतलब जो टाइम हम लोग को ज्यादा लग रहा था ना ट्रैफिक, जो ट्रैफिक सबसे ज्यादा दिमाग तो करा ट्रैफिक खराब करता है ना गोलू यार, वो ट्रैफिक अगर जो सबसे ज्यादा दिमाग खराब करता है वो ट्रैफिक जो है आप इस फ्लाईओवर की वजह से जो है बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही सही है। अगर आप किसान आंदोलन के टाइम पे अगर आप आना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ओचंदी बॉर्डर जो है वो खुला हुआ है अभी के लिए, तो अगर आप रिसेंटली अभी आजकल में कोई अगर ट्रैवल करना चाहता है हरियाणा की तरफ तो आप यहां से आ सकते हैं। सिकंजी पीना तुमको, आंखें तो तुम्हारी खुल नहीं रही है, सिकंजी पीना तुमको। अपन खड़े हैं अभी KMP पर, जस्ट चढ़े ही हम लोग KMP पे, और गोलू की आंखें खुलेगी नहीं, मतलब तो आप आने का कोई फायदा नहीं है ना। गोलू का मन था कि सिकंजी पियेंगे, उसको लगा कि ये आइसक्रीम वाले, उसको लगा था कि ये आइसक्रीम वाले भैया। ये देखो भाई ये लगे हुए हैं हमारे सिंह बॉर्डर के जो आंदोलन के टेंट हैं, ये लगे हुए हैं यहाँ से।
तो भाई इस बंदे ने ना पार्शलिटी कर दी है मेरे साथ, गोलू को दे दी इसने शिकंजी और मेरे को दी नहीं। मैं पूछूं भाई मतलब ना क्यों किया ऐसा, इस भाई ने पूछता है हिंदुस्तान लेडीज फर्स्ट गर्ल्स फर्स्ट। तो मित्रगण अभी हम लोग घर तो आ गए हैं और थकान जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि गलती से एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, मैं रास्ता भटक गया था। अरे मतलब छोटा सा ही था यार, वो छोटा मिस्टेक हमें डेढ़ घंटा जो है हम लोग को ज्यादा लग गया। चलो कोई बात नहीं यार, लेकिन अभी पहुंचे हैं, थकान बहुत ज्यादा हो गई है सुबह से निकले हुए ना, तो अभी हम लोग यहीं खत्म कर लेंगे हम लोग। सो बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।